आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कांग्रेस और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा है। जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 40 सीटों पर सिमटने का दावा किया है, तो वहीं जेजेपी की बयानबाजी पर भी चुटकी ली। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। जेजेपी के जो नेता हैं दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि 400 पार का नारा जो है वो खत्म हो चुका है, बीजेपी 200 सीट तक सिमट के रहेगी। देखो बात यह है, उनका तो यही कहना बनता है, अब वो हमारी बड़ाई क्यों करेंगे, लेकिन वो तो रिजल्ट बताएगा। कांग्रेस की जो है ना, अब की बार 40 पार नहीं होनी है, 40 पर सिमट जाएगी। पूरे देश के अंदर रुझान है, अब वो कोई अमेठी को छोड़ के भाग रहा है, कोई वायनाड को छोड़ के भाग रहा है, अपने अपने क्षेत्र छोड़ रहे हैं। माँ जो है ना राज्यसभा में आ गई, राजस्थान से बेटी कह रही है मैं तो चुनाव लड़ूंगी नहीं, क्योंकि भविष्य दिखाई नहीं देता। एक थोड़ी सी इज्जत बचाने के लिए अब वो बरेली से उसका फार्म भरवाया है पप्पू का। अब देखो पप्पू को सारा देश जानता है, वो उसको ना यूँ नहीं पता गेहूँ का पौधा होता है, पेड़ होता है। अब वो तो क्या करेगा, वो देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करेगा, मोदी का उनका क्या मुकाबला है। तो देश में कोई विकल्प नहीं है मोदी जी का। और बाकी रही भूपेंद्र हुड्डा जेजेपी, वो तो कुछ भी कहें वो उनकी मर्जी है, उनका यही कहना बनता है, कहते रहेंगे लेकिन रिजल्ट बताएगा।